आप दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक ले लो और उसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत एक चैप्टर है, श्रृण देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत न कौचारगला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रे न दुर्गा पाठम फलम लभेत। ये चैप्टर जो है इसको सुबह शाम दुर्गा जी के चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जला करके तुम पाठ करना किसी तरह से शुरू कर दो और इस पाठ को अनवरत करो और शनिवार के दिन इस पाठ को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करो। 6 महीने के अंदर तुम्हारा पति शराब को हाथ नहीं लगाएगा, बच्चों का भविष्य साफ साफ नजर आने लगेगा, घर में अभाव और तंगी दूर होने लगेगी, समाज में सम्मान मिलने लगेगा और ये उपाय अगर लगातार तुमने 3 साल तक जारी रखा तो तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। बिना तपस्या के कुछ दुनिया में मिलने वाला नहीं है। पार्वती हिमालय की बेटी थी लेकिन जब उन्होंने 12,000 वर्षों तक तपस्या की तब उन्हें भगवान शिव मिले। भागीरथी सूर्यवंश में पैदा हुए थे लेकिन उन्होंने इतना कठोर तप किया तब गंगा जी पृथ्वी पर आई। आप तो लक्ष्मी को पृथ्वी पर बुला रही हो, अपने पास बुला रही हो, तो तपस्या तो बेटा करना पड़ेगा, इससे घबराइए मत। तपस्या करिए और हिम्मत रखिए कि जिस दिन से आप तपस्या में नाम अपना लिखा लेंगी उसी दिन से महालक्ष्मी की रखवाली करना आपके प्रति कर्तव्य बन जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।